बाद बड़ी खबर के साथ होगी तो बांग्लादेश में सैन्य तख्ता पलट हुआ। बांग्लादेश में सेना ने मोर्चा संभाला है। बांग्लादेश में मोबाइल इंटरनेट सेवा ठप हुई है। प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना के पिता की मूर्ति को तोड़ा। शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति तोड़ी। बांग्लादेश आर्मी चीफ वकार उज्जमान ने घोषणा की, प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दिया। अब बांग्लादेश में सेना संभालेगी पुलिस की जगह, सेना की तैनाती की जाएगी। बांग्लादेश में अंतिम सरकार बनेगी। आर्मी चीफ ने अनुशासन बनाए रखने को कहा है। सभी हथियारों पर मुकदमा चलाया जाएगा, सभी मांगे पूरी की जाएंगी। देश को शांतिपूर्वक स्थिति में बहाल किया जाएगा। संघर्ष और अराजकता से कुछ हासिल नहीं होगा। बांग्लादेश की हालत पर भारत की पैनी नजर है। बीएसएफ डीजी दिल्ली से कोलकाता पहुंचे हैं। पीएम मोदी को दी जा रही है पल पल की जानकारी। साथ ही 24 घंटे के लिए बॉर्डर पर हाई अलर्ट किया गया है। बीएसएफ ने बांग्लादेश बॉर्डर पर सुरक्षा भी बढ़ा दी है। और बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन होने के हिंसक होने के बाद पीएम शेख हसीना ने आज यानी 5 अगस्त को इस्तीफा दे दिया। सेना प्रमुख जनरल वकार उज्जमान ने इसकी पुष्टि कर दी। उन्होंने ढाका में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि अब सेना अंतरिम सरकार बनाएगी। उधर ढाका में भी हालात बेकाबू हैं, प्रदर्शनकारी उग्र हुए हैं। हालांकि सेना प्रमुख ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि विश्वास रखिए, जल्दी हालात पर काबू पा लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि लाखों लोग सड़कों पर है। ये संख्या 4 लाख से अधिक बताई जा रही है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पहली दूसरी और तीसरी प्रदर्शनकारी जमा हुए हैं। राजधानी में जगह जगह हिंसा और तोड़फोड़ हो रही है। वहीं पीएम शेख हसीना ने बताया गया सरकारी आवास छोड़ दिया है, अब किसी सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट हो गई है अपनी बहन के साथ, ये भी जानकारी। इतना ही नहीं, ये भी दावा किया जा रहा है कि वो भारत पहुंची है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है, सिर्फ किस रिपोर्ट के हवाले से जानकारी आ रही है। बांग्लादेश में सेना ने मोर्चा संभाला है और बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि दिल्ली आ सकती है शेख हसीना, ये भी सूत्र कह रहे हैं। लेकिन इसी बीच हाई अलर्ट कर दिया गया है। बीएसएफ ने हाई अलर्ट जारी किया है। बांग्लादेश एयरफोर्स के जेट से रवाना, ये जानकारी मिल रही है मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो। लेकिन बड़ी जानकारी, बांग्लादेश में सैन्य तख्ता पलट हुआ। हालांकि पिछले एक माह से हिंसक घटनाएं बांग्लादेश में जारी है। आरक्षण विरोधी आंदोलन अब उग्र हुआ है और इसी वजह से जानकारी आई। पहले कयास लगाए जा रहे थे जब शेख हसीना के सरकारी आवास को छोड़ने की सूचना आई थी तो माना जा रहा था, लेकिन फिर इसकी पुष्टि सैन्य चीफ ने कर दी है कि शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। अब सेना के चीफ ने अंतरिम सरकार बनाने की बात भी कही है। और चलिए इसी बीच हम देखिए आपको अब जानकारी भी देते हैं। ये विमान देखिए, तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं हिमाचलपुर, और बताया जा रहा है कि शेख हसीना भारत आ सकती हैं। झारखंड के आसपास बताया जा रहा है उनका विमान है। ये हम आपको तस्वीरों में विजुअल्स के माध्यम से दिखा रहे हैं कि हिमाचलपुर से आगे उनका विमान निकला है। अब चूंकि बांग्लादेश में बड़ा तख्ता पलट हुआ है शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद, सरकारी आवास उन्होंने छोड़ा और ये जानकारी थी कि किसी भी वक्त भारत आ सकती हैं, और इसी वजह से अब ये तस्वीरें आ गई हैं। ये विमान जो कि तारों से आगे होता हुआ हिमाचलपुर और फिर धरहारा से आगे निकला है, ये मैप के जरिए हम आपको समझा रहे हैं विजुअल के माध्यम से। इस मैप के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं
ट्रैक लगातार शेख हसीना का मूवमेंट। अब देखिएगा, यही उम्मीद थी कि वो सुरक्षित स्थान पर पहले पहुंची हैं अपनी बहन के साथ, और फिर इसके बाद भारत आने की भी खबरें थी। और अब देखिए ये उनका विमान जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इसी वजह से भारत में भी अलर्ट कर दिया गया है बीएसएफ को, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पल पल की जानकारी ले रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश में सरकार बनाई थी शेख हसीना ने, एक बार फिर प्रधानमंत्री पद उनके पास, और इसी बीच ये बड़ी जानकारी, जो फैसला किया गया था उसके विरोध में आरक्षण विरोधी आंदोलन इतना उग्र हुआ, एक महीने से इसकी खबरें लगातार सामने आ रही थी, और यही माना जा रहा था कि बांग्लादेश में कुछ बड़ा हो सकता है, और कुछ वैसा ही हुआ। शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया सेना की, ऐसे में कुछ नाराजगी भी सामने आ रही थी। सेना ने कहा था कि अगर आपसे स्थितियां काबू में नहीं आ रही हैं तो ये हम पर छोड़ दीजिए। और अब यही बात सामने आ रही है कि सेना के चीफ अंतरिम सरकार बनाने की बात भी कही है, यानी कि अब कमान सेना के हाथों में बांग्लादेश में आ गई है। लेकिन ये उनका विमान जो बताया जा रहा है कि भारत अब वो आ रही है झारखंड के करीब, ये विमान उनका बताया जा रहा है, विशेष विमान से भी बताया जा रहा है। देखिएगा तस्वीरों के माध्यम और मैप के सहारे फर्स्ट इंडिया आपको लगातार बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अभी सभी के जहन में ये बात कि आखिर शेख हसीना ने इस्तीफा देने के बाद अपना नया आवास, और अगर बात करें कि कुछ स्थायी तौर पर नहीं लेकिन अस्थायी तौर पर ही कहां रहने का, कहां पहुंचने का सोचा है, क्योंकि पहले बताया गया कि सरकारी आवास को उन्होंने छोड़ा और सुरक्षित स्थानों पर घुसी, क्योंकि जो उग्रकारी और आंदोलनकारी भीड़ थी वो आवास तक घुसी। उनके आवास तक घुसने के बाद उनके पिता की मूर्तियों को तोड़ा गया, जिसके बाद ये जानकारी आई कि सुरक्षा की दृष्टि से शेख हसीना सुरक्षा की दृष्टि से आगे बढ़ी है। ये देखिएगा विमान लगातार हम आपको बता रहे हैं मैप के सहारे, ये देखिएगा तस्वीरों के माध्यम, और विमान मिडिल विद्यालय हिम्मतपुर कबीलपुर से आगे रवाना होकर ये उनका विमान जो आगे बढ़ रहा है, देखिए मैप के सहारे हम आपको बता रहे हैं अब किस तरह से विमान आगे बढ़ा है। और भारत पहुंचने की जो सूत्र है वो जानकारी दे रहे हैं कि शेख हसीना भारत पहुंचेंगी, और इसी वजह से मस्जिद बिलाल छपरी, मस्जिद ई बिलाल छपरी से आगे उनका विमान अब निकला है। इससे पहले उनका विमान अब कई इलाकों से होकर के गुजरा था, और अब उनका विमान मस्जिद इब्राहिम छपरी से आगे निकला है। अब इस बीच अब कालका स्थान काली मंदिर कुसहम से भी आगे निकला उनका विमान। ये देखिए पूरा मैप हम आपको मैप के माध्यम से समझा रहे हैं। देखिएगा अब गंगाहर हरदिया से आगे उनका विमान निकला है। ये देखिए कैसे विमान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, अब ट्रैक इस विमान का एक एक मूवमेंट हो रहा है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको लगातार बता रहे हैं उनका विमान अब किस तरह से इसरबे से आगे निकला है, और ये बताया जा रहा है कि भारत पहुंच जाएंगी वो। भारत पहुंचने की बात भी जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि थोड़ी ही देर पहले शेख हसीना ने इस्तीफा दिया है। झारखंड के आसपास पहले बताया गया कि उनका जो मूवमेंट है वो झारखंड के आसपास का, लेकिन अब कब भारत पहुंचेंगी और कहां उनका ठिकाना पहला रह सकता है, आगे क्या उनका मूवमेंट होता है वो भी आपको मैप के सहारे से समझाएंगे। लेकिन ये देखिए ये वो मैप, ये वो मूवमेंट जो हम आपको पल पल बता रहे हैं। जगन्नाथपुर से आगे निकला है, इसके आगे गंगाती भी बताया जा रहा है, फिर काठियादीह की तरफ उनका विमान बढ़ रहा है। बांग्लादेश में जो आज हुआ उस पर पूरे विश्व भर की निगाहें टिकी, क्योंकि शेख हसीना का इस्तीफा हुआ, और यह इस्तीफा भी तब जब एक महीने से आंदोलन चल रहा है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में स्थितियों पर काबू पाने के लिए अब सेना आगे आई है, सैन्य चीफ ने अपने हाथों कमान ली है, और अब अंतरिम सरकार बनने की बात। लेकिन इस बीच सवाल कि आखिर शेख हसीना का अगला मूवमेंट क्या होगा, अब अगला उनका कदम क्या होगा। लेकिन बताया गया कि क्योंकि भारत बांग्लादेश का मित्र देश भी बताया जाता है, ऐसे में अब जो स्थितियां बांग्लादेश में उत्पन्न हुई उसके बाद बांग्लादेशी पीएम को एक सहारा दिखाई दिया भारत के रूप में, और सबसे पहली जानकारी यही आई कि शेख हसीना भारत पहुंच रही है। जो स्थितियां बांग्लादेश में है उस स्थितियों के बीच उनका सुरक्षित ठिकाना
क्या भारत है, क्योंकि भारत पहुंचने की बात लगातार सामने आई। अब विमान के मूवमेंट को जरा आप कैप्चर कीजिएगा, हम विमान का मूवमेंट आपको बता रहे हैं। सौंधिया से आगे विमान निकला है, कनौसा की तरफ होता हुआ ये विमान आगे बढ़ रहा है, और यही जानकारी कि वो भारत आ रही हैं। शेख हसीना, अब जैसे ही जानकारी आई कि उन्होंने इस्तीफा दिया है, इस्तीफे के बाद सेना प्रमुख की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने कहा कि आप विश्वास रखिए, बांग्लादेश की जो स्थितियां हैं, बांग्लादेश में जो प्रदर्शनकारी उग्र हुए हैं, आंदोलन पर उतरे हैं, सड़कों पर जमा हुए हैं, इतना ही नहीं सरकारी आवास तक भी ये प्रदर्शनकारी पहुंचे, और शेख हसीना को जो सरकारी आवास है जहां वो रह रही थी वहां तक ये प्रदर्शनकारी पहुंचे और उनके पिता की मूर्ति को खंडित करने की बात भी की, उसके साथ तोड़फोड़ करने की बात भी सामने आई, जिसके बाद ये फैसला आया। पहले सूचना थी कि जब उन्होंने आवाज छोड़ा तो शायद ये सेना के हाथों अब देश की कमान हो सकती है, लेकिन फिर ये पुख्ता हुआ क्योंकि सेना के चीफ ने इस बात की पुष्टि की कि इस्तीफा हो गया है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, जिन्होंने हाल ही में अपनी सरकार बनाई थी और बड़े बहुमत के साथ सत्ता में आई थी शेख हसीना, और सवाल यही थे, हाल ही में इससे पहले भारत भी वो पहुंची थी, भारत में सम्मेलन में शिरकत करने शेख हसीना आई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी तो शेख हसीना भारत पहुंचने वाली पहली अतिथि थी, पहली अतिथि शेख हसीना थी, यानी कि यह माना जा रहा था कि भारत के साथ जिस तरह के संबंध रहे हैं बांग्लादेश के, शेख हसीना की अगुवाई में वो संबंध और भी दोनों देशों के मजबूत हुए, और इसी वजह से बताया गया, देखिए मित्रता की बात लगातार हुई, इसी वजह से अगर सुरक्षित ठिकाने की बात जब आई कि अब बांग्लादेशी पीएम का अगला कदम क्या रहेगा, तो ऐसे में शेख हसीना ने भारत को अपने सुरक्षित स्थान के तौर पर चुना, क्योंकि भारत पहुंचने की उनकी खबरें लगातार सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आ रही हैं। अब इस विमान पर भी जरा गौर डालिएगा, अब मैप के माध्यम से लगातार बता रहे हैं, अब देखिएगा, अब पहले जानकारी दे रहे हैं कि बीएसएफ ने हाई अलर्ट कर दिया है। तीन तस्वीरें देखिएगा, शेख हसीना के देश छोड़ने की बात भी सामने आ रही है, बताया गया कि हिंसा का नतीजा जब शेख हसीना ने पद से इस्तीफा दिया है, पार्टी के दफ्तर में आगजनी की खबर भी सामने आई, लेकिन अब चूंकि पड़ोसी देश है भारत का बांग्लादेश, इसी वजह से बीएसएफ को अलर्ट किया गया है। भारत में भी हलचल तेज हुई है, एक तरफ बांग्लादेश में तख्ता पलट, और इस तख्ता पलट की गूंज भारत तक, क्योंकि शेख हसीना के भारत आने की खबर और बांग्लादेश के साथ अब बीएसएफ ने हाई अलर्ट जारी किया है।